अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आपके साथ हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। और समझ ये नहीं आ रहा है कि किस मौकफ पे बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे तो हर एक टीम जो सी है वो 400 स्कोर कर रही है। आज भी एक 400 का फट्टा खड़ा हो गया था, और हमारे बैट्समैन पता नहीं ऐसी विकटों में क्यों नहीं चल रहे हैं। अब ये भी नहीं हम कह सकते कि जी कोई क्या परफॉर्मेंस चल रही है। एक बस 340 हमने चेज़ किया लंका के खिलाफ, और यही वो नदरलैंड है जिसके खिलाफ हम मैक्सिमम 280-290 स्कोर कर सके थे। तो आज भी दो सेंचुरियाँ हुई, दो दफ़ा 4 आउट भी हुए। लोगन वैन बीक ने 4 विकटें लीं, और उसके अलावा एडम जंपा ने एंड में आकर 4 विकटें लीं, जो कि हमें पता था कि ऐसा ही होगा, और एक वन साइडेड सा मैच खत्म हो गया। मगर देखना यह है कि पाकिस्तान अब कहाँ पे स्टैंड करेगा, क्योंकि टॉप 4 में से तो पाकिस्तान हो चुका है अभी तक बाहर, और टॉप 4 में जो 4 टीमें आ चुकी हैं उनमें इंडिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया आज टॉप 4 में एंटर हो चुकी है। और कल जो मैच है, कल बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है। कल इंटरेस्टिंग मैच मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि 2019 में इंग्लैंड को एक ही मैच अपसेट पड़ा था, वो पड़ा था लंका से, और कल लंका और इंग्लैंड का मैच है। और इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ मैं कि एंजेलो मैथ्यूज़ भी आ गए हैं, जो कि शनाका को रिप्लेस किया है उन्होंने, और टीम में एंटर हो चुके हैं, और कल का मैच वो खेलेंगे भी। तो श्रीलंका कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नज़र आ भी रहा है, क्योंकि अगर अफगानिस्तान से ये लोग मैच हार चुके हैं इंग्लैंड, तो कल का मैच भी इनको अपसेट पड़ सकता है। और अपसेट मैं इस बेस पे कह रहा हूँ क्योंकि इस हफ्ते में अभी तक एक अपसेट हो चुका है, वो पाकिस्तान को हो चुका है, जो कि सारी दुनिया कह रही है अपसेट है, जो कि मेरी नज़र में अपसेट नहीं था। वो एक वन साइडेड मैच था, क्योंकि अफगानिस्तान ने किसी भी मोमेंट पर अपने आप को डाउन फील नहीं कराया, या किसी भी मोड पे ऐसे उन्होंने फील नहीं कराया कि जी हम मैच छोड़ चुके हैं और हाँ सडनली हम मैच जीत गए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो मेरे लिए तो वो अपसेट नहीं था, अफगानिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, उनको मुबारक इस बात पे कि उन्होंने एक अच्छी क्रिकेट खेल कर पाकिस्तान को मैच हराया। और अब कल अगर अपसेट हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है कि कल अपसेट हो सकता है, लंका अपसेट कर सकती है, क्योंकि कुशाल मेंडिस एक बहुत अच्छी फॉर्म में है, इसके साथ साथ सदीरा एक बहुत अच्छी फॉर्म में है, और कुशाल परेरा भी कहीं ना कहीं भी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। तो कल का मैच एक अच्छा मैच हो सकता है, और उसके बाद जुमे का मैच है, उस पर हम इंशाल्लाह एक अच्छी वाली वीडियो बनाएंगे। उस पर अब देखना ये है कि पाकिस्तान 200 करती है, 300 करती है, या फिर अफ्रीका अपना 350 वाला रिकॉर्ड कंटिन्यू रखती है। तो इंशाल्लाह आपके साथ कल फिर मुलाकात होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।